हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिनसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की। दोस्तों, यहां पे जिनसार के अंदर अगर आप देखो, आज की डेट में यहां 5% से ज्यादा रैली देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर। 37 रुपया स्टॉक ऊपर चढ़ चुका है और यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली 5 डेज के अंदर अंदर 6.51% की रैली देखने को मिला। एक महीने की अगर हम बात करें तो 25.20% की रैली देखने को मिल चुका है इस स्टॉक के अंदर। तो दोस्तों, जिनसार टेक्नोलॉजी एक तरह से आपको पता है कि आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं और ये कंपनी बेसिकली अगर आप कोविड टाइम से अगर आप देखें तो बहुत बड़ा मल्टीवैगर स्टॉक बना है। अगर कोविड टाइम में अगर आप देखें तो ये स्टॉक बेसिकली आपको 90 रुपया 50 रुपया में देखने को मिल जाता था, लेकिन आज के डेट में ये स्टॉक आपको एक तरह से ऊंचाइयों पे देखने को मिल रहा है और अभी के टाइम पे खास करके बहुत ज़्यादा शेयर प्राइस ऊपर चढ़ चुका है। दोस्तों अगर हम आगे बात करें यहाँ पे जिनसार टेक की, तो यहाँ पे जिनसार टेक लंबे समय के लिए एक बहुत बढ़िया स्टॉक है और यहाँ पे एक तरह से आरपीजी ग्रुप की कंपनी है बेसिकली जिनसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो बेसिकली आप देख सकते हैं यूएस के अंदर इनका मार्केट है, खास करके यूके है, यूरोप है, अफ्रीका है, इनके एक तरह से इंडिया है, इंडिया के अंदर तो इनका हेड ऑफिस ही है और यहाँ पे एक तरह से पुणे इसका हेड क्वार्टर है इस कंपनी का। और जिनसार टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ का भी बिजनेस इसी प्रकार से डिजिटल एंड एप्लीकेशन सर्विसेज से 82% यहाँ पे टोटल रेवेन्यू करती है कंपनी। डिजिटल फाउंडेशन एंड सर्विसेज से 18% टोटल रेवेन्यू करती हुई नजर आती है। हाईटेक से बेसिकली 27%, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर सर्विस से 25%, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 38% एंड हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज 10% यहाँ पे रेवेन्यू करती है। यूएस सबसे बड़ा इनका मार्केट देखने को मिलता है, 67% का रेवेन्यू यूएस से आता है कंपनी को, यूरोप से 21%, अफ्रीका से 12% का आता हुआ नजर आता है बेसिकली अगर आप देखें तो। मेजर क्लाइंट इनका जो टॉप 5 क्लाइंट से 35% रेवेन्यू आता है, टॉप 10 क्लाइंट से 42% और टॉप 20 क्लाइंट से 68% यहाँ पे रेवेन्यू आता हुआ नजर आता है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी के एक तरह से 148 एक्टिव क्लाइंट्स हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इनके पास एक तरह से देखें तो यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर बुक भी यहाँ पे FY24 के अंदर $698 मिलियन का अभी भी देखने को मिल रहा है, जो एक बड़ा यहाँ पे ऑर्डर बुक ऑलरेडी पाइपलाइन में आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस कंपनी की जो फंडामेंटली कैसा है स्टॉक है, तो यहाँ पे देखिए कंपनी के जो मार्केट कैप है फिलहाल 17,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज। इसके साथ साथ कंपनी 25 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे पी बहुत ज्यादा महंगा नहीं, 30 के पी से अभी भी कम है। और बुक वैल्यू की बात करें तो 157 की यहाँ पे बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। फिलहाल डिविडेंड देती है आरओसी और आरओई दोनों एक तरह से देखें तो 20% से ज़्यादा है और यहाँ पे कंपनी की जो एक तरह से अगर हम बात करें ईपीएस की तो 29.30 यानी 29.30 रुपया का शानदार ईपीएस जनरेट करती है कंपनी। डेप टू इक्विटी अगर आप देखोगे तो बहुत कम है, 0.05%, ऑलमोस्ट कह सकते हैं वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी है क्योंकि 186 करोड़ का कर्ज देखने को मिलता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी की प्लेजिंग परसेंटेज कुछ भी नहीं है, 0% के प्लेजिंग परसेंटेज है। हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर तो प्लेजिंग परसेंटेज भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इनके पास तो प्लेजिंग परसेंटेज भी नहीं है। इसके साथ प्रमोटर 49.2% की होल्डिंग रखे हुए हैं यहाँ पे, अभी के टाइम पे 50% से कम होल्डिंग है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो इंडस्ट्री के पी से अभी भी इनका पी बहुत नीचे है, 31 के यहाँ पे पी है, इनका पी 25 पे। रिजर्व 3,517 करोड़ का देखने को मिल रहा है इस कंपनी के अंदर और यहाँ पे आरएसआई बुलिश नजर आ रहा है। एफआईएस एंड डीआईएस की अच्छी खासी होल्डिंग है। पेट्रोस्की स्कोर अगर हम देखें तो यहाँ पे 7 की रेटिंग और 322 रुपया ग्राम नंबर इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसके साथ साथ क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर कंपनी के देखें तो Q4 क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं कंपनी के 1230 करोड़ का सेल्स हुआ, सेल्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है कंपनी के अंदर। देखें 1213 करोड़ से यहाँ पे जो सेल्स है बढ़ के यहाँ पे 1230 करोड़ होता हुआ नजर आया, खास करके यहाँ पे 14% से मार्जिन बढ़ के 17% हुआ, ये मार्जिन बहुत अच्छा है यहाँ पे कंपनी का देखने को मिला है रिसेंटली। तो दोस्तों यहाँ पे 162 करोड़ का देखे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 162 करोड़ से प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ पे 229 करोड़ हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करें तो 119 करोड़ से बढ़ के 173 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट हो गया। तो कंपनी यहाँ पे अपसाइड में जा रही है, यहाँ पे ग्रोथ कर रही है कंपनी और आने वाले टाइम में एक तरह से बड़ा मल्टीवैगर स्टॉक 2030 तक स्टॉक बनने वाला है। दोस्तों अगर हम बात करें इस कंपनी की जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं खास करके अभी के टाइम पे, तो एफआईएस तो यहाँ पे बिकवाली किए हैं रिसेंटली,
आप ये चीज देख सकते हैं, एफआईएस बिकवाली की है रिसेंट क्वार्टर में, लेकिन डीआईज यहाँ पे कंटिन्यू खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे कम होती हुई नजर आ रही है। तो बड़े इंस्टीट्यूशंस में डीआईज हैं जो यहाँ पे अधिक से अधिक खरीदारी कर रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। और यहाँ पे दोस्तों इस चीज का अगर आप देखोगे कंपनी के जो बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट में भी काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। आईटी सेक्टर की कंपनी है, आपको पता ही है ये कंपनी जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और यहाँ पे हेडविंड्स था, जो बेसिकली आईटी सेक्टर में हेडविंड्स देखने को मिल रहा था, ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले एक दो क्वार्टर में यहाँ पे टेलविंड्स देखने को मिल सकता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे इक्विटी कैपिटल की अगर हम बात करें, तो 45 करोड़ का यहाँ पे इक्विटी कैपिटल देखने को मिल रहा है। रिजर्व्स कंपनी कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, 3,517 करोड़ का रिजर्व्स हो चुका है। डेप्ट अपना कम कर रही है कंटिन्यू कंपनी, तो यहाँ पे काफी ज्यादा एग्रेसिव है अपने बिजनेस को डेवलपमेंट करने के लिए। यहाँ पे ये कंपनी काफी, इनके मैनेजमेंट है जो काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रही है। CWIP में माइनर वर्क देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंपनी यहाँ पे कंटिन्यू करती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे कंपनी कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो कंपनी का टोटल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी की जो ईयरली ग्रोथ है उस पर हम नजर डालें, तो यहाँ पे जो आपको चीजें देखने को मिलेगा, खास करके अगर मार्च 2017 से मार्च 2024 तक अगर हम देखें नेट प्रॉफिट पे चर्चा करते हैं खास करके, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑल टाइम हाई कंपनी 665 करोड़ का कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट करती हुई नजर आई है FY24 के अंदर। तो एक तगड़ा प्रॉफिट कंपनी ने यहाँ पे फिर भी किया है, यहाँ पे आईटी स्लो डाउन होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे जेंसार टेक्नोलॉजी यहाँ पे आप देख सकते हैं 238 करोड़, यहाँ पे 2017 में करती थी 246 करोड़, 319 करोड़, इसके बाद बीच में थोड़ा सा डाउन देखने को भी मिला, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यू तेजी ऑलमोस्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट है जो कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है ये स्टॉक जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दोस्तों यहाँ पे 200 रुपया का रिवॉर्ड्स फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको पाना है, तो यहाँ पे आप स्टॉक में फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, उसी से आपको अकाउंट ओपन करना होगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में दोस्तों यहाँ पे 200 रुपया का रिवॉर्ड्स आपको कहाँ से मिलेगा, तो वो आप टेलीग्राम पे मेरे को पिंग कर सकते हैं, और वहाँ पे आप अपना नाम बताओगे, मैं चेक करके बता दूंगा आपने अकाउंट ओपन किया है या नहीं ओपन किया। अगर कंप्लीट हो गया तो आपको तुरंत यहाँ पे रिवॉर्ड्स है जो 200 रुपीज का आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप जेंसार टेक्नोलॉजीज की मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बता रहा था, और यहाँ पे आप स्टॉक पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन करने का मौका भी है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे किसी भी प्रकार का मैं इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, आप अपना एनालिसिस करने के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ।